लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ रहा डेंगू, मेडिकल में इलाज के लिए रोज आ रहे हैं 2 से 3 बच्चे। ऊर्जा मंत्री राउत ने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। यूपी के संदिग्ध युवकों से मिले 60 ATM। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम बदलने के साथ ही स्वास्थ्य पर इसका असर होने लगा है, खासकर बच्चों पर ज्यादा असर होने लगा है। बच्चे डेंगू से ग्रस्त होने लगे हैं। सरकारी अस्पताल मेडिकल में हर रोज 2 से 3 बच्चे डेंगू का इलाज करवाने आ रहे हैं। यहां लगभग 15 बच्चे डेंगू से ग्रस्त होने से भर्ती किए गए हैं। इनका इलाज शुरू है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदलने से स्वास्थ्य पर असर होने लगा है। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका जल्दी असर हो रहा है। उन्हें मच्छरों के काटने से डेंगू नामक बीमारी होने लगी है। मेडिकल में पिछले सप्ताह भर में 5 से 12 साल आयु वर्ग के 15 बच्चों को भर्ती किया गया है। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत ने शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें अनुसूचित जाति विभाग की ओर से देश भर में सभी को न्याय मुद्दे पर चलाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात को लेकर यहां मीडिया में ऐसी खबरें चली कि ऊर्जा मंत्री ने नागपुर की रुखमई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को महाजेनको से मिले कोयले की आपूर्ति और वॉशिंग के ठेके की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा की गई शिकायत का मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष रखा और पटोले के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन डॉक्टर राउत ने इस बात का खंडन किया है। तीसरी खबर, न्यू कामठी पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे कानपुर और जालौन के युवकों को 60 ATM के साथ पकड़ा है। गुरुवार रात धरे गए इन युवकों के किसी बड़े गिरोह से जुड़े होने का संदेह है। गिरफ्तार आरोपी दीपेंद्र प्रताप ईश्वर दीन आशुतोष वेद प्रकाश गुप्ता गौतम राजा राम दीपू मुन्नालाल यादव है। उनका संजय नाम का साथी फरार हो गया है। न्यू कामठी पुलिस को रात 1 बजे रामगढ़ परिसर में गश्त के दौरान आरोपी संदिग्ध हालत में घूमते नजर आए। पुलिस ने घेरा डालकर बुलेरो को रोका, उसमें आरोपी मिल गए। तलाशी लेने पर उनके पास से 60 ATM कार्ड, पेचकस, कटर आदि मिला। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।